भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। बता दें कि इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वैसे तो इस मुकाबले में टॉस का कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम लगातार विकेट गंवाती रही और एंड ऑफ द एंड किसी तरह से वो 147 रन बनाने में कामयाब हो गए। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और 10 विकेट गंवा दिए। जी हां, भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज ढेर हो गए और भारत को जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने शुरुआत तो कुछ खास नहीं करी। केएल राहुल गोल्डन डक का शिकार हुए, तो वहीं पर रोहित शर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर सके। हालांकि विराट कोहली ने बीच में आकर पारी को संभाला जरूर था, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सके। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर जाना और फिर कहीं न कहीं सारा दारमदार रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या पर आ जाता है। हार्दिक पांड्या ने जितना गेम को डीप ले जाने की कोशिश करी, गेम उतना ही ज्यादा रोमांचक हो गया। पाकिस्तान को लग ये रहा था कि वो मैच में आगे हैं, क्योंकि भारत दबाव में है, लगातार विकेट चटका रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या जानते थे कि मैच को एंड में ले जाकर वो बड़े आसानी से पाकिस्तान से ये जीत छीनने वाले हैं। हार्दिक ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और एंड ऑफ द एंड 2 गेंदें शेष रहते हुए 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने 148 रन बनाए, पाकिस्तान को छक्के से हराया। 10 महीने पहले भारत यहां पर 10 विकेट से हारा था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के 10 विकेट गंवा दिए और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। इससे बड़ा बदला क्या होता है। लेकिन इस मैच के बाद कप्तान बाबर आजम का वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। जी हां, बाबर आजम बौखलाए हुए मैच के बाद दिखाई दिए और मैच के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी काफी हद तक निराश नजर आए। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने मैच के बाद जो बयान दिया और भारत के प्रति जो कुछ बात कही, वो सुनकर या देखकर हर भारतीय हैरान रह गया। अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैच के बाद किस तरह से गुस्से में बाबर ने भड़ास निकाली। अपने ही खिलाड़ियों को तो जमकर फटकार लगाई है, लेकिन भारत के बारे में भी एक ऐसा बयान दिया कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान कह रहे थे कि भारत को अब एशिया कप में हराना है, उसी मैदान पर उसी जगह पर हराएंगे। लेकिन भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को 10 विकेट चटकाए, पूरे 20 ओवर खेले बिना ही ऑल आउट कर दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान का गुस्सा फूट गया। खैर, उन्होंने क्या कहा ये बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहेंगे। मैच खत्म होने से पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने गलती करी, जिसकी उन्हें बहुत बड़ी सजा मिली। जी हाँ, लगातार गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, विकेट चटका रहे थे, लेकिन इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान से एक गलती हो गई और जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। भारत पाक मुकाबले के दौरान भारतीय टीम काफी शानदार गेंदबाजी करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरी ओवर में जब 30 यार्ड के दायरे में जब 5 खिलाड़ी देखने को मिले, तो सभी को काफी हैरानी हुई। लेकिन फिर जानकारी दी गई कि भारतीय टीम तय समय के लगभग 3 ओवर पीछे चल रही है, जिसके कारण अर्शदीप के एक खिलाड़ी को सर्कल के अंदर ही रहना पड़ा और कहीं ना कहीं उसका फायदा उस पाकिस्तानी बॉलर ने उठाया और 2 लगातार छक्के लगा दिए, जिसकी वजह से भारत टारगेट जो है कम से कम 15 रन ज्यादा दे दिया पाकिस्तान को। ये कप्तान की गलती है कि ओवर को सही से रोटेट नहीं कर पाए और इसका खामियाजा आप जानते हैं, ऐसे जहां एक एक रन मायने रखता है। लेकिन एंड ऑफ द एंड भारत को हार्दिक पांड्या ने जिता दिया और भारत की जीत को देकर बकला गए हैं कप्तान बाबर आजम। आइए आपको बताते हैं कप्तान बाबर आजम ने क्या कहा। बाबर आजम ने कहा कि हमने गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की थी, हम जानते थे कि हमने 10 से 15 रन कम बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, निचले क्रम के बल्लेबाजी काफी अच्छी रही। हमने सोचा था कि खेल को आखिरी ओवर तक ले जाएंगे, नवाज को हम आखिरी ओवर के लिए ही बचा रहे थे, हमारा दबाव बनाने का फैसला सही नहीं रहा और हार्दिक ने हमसे मैच छीन लिया। जी हाँ, हार्दिक पांड्या जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत बड़े मैच विनर हैं। ये कप्तान बाबर आजम ने स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो मेरा गेम प्लान था नवाज से आखिरी ओवर कराने का, वो हार्दिक ने मुझसे छीन लिया और भारत को इस तरह से अंडररेटेड करना हमको भारी पड़ गया। कप्तान बाबर आजम का मानना है कि भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को हमने विकेटों के तौर पर चटका लिया, तो हमें लग रहा था कि हम मैच में आगे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी वो वाकई में काबिले तारीफ है। और कहीं न कहीं बाबर आजम ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ रहा है। कहीं न कहीं बाबर आजम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत को हल्के में लेना पाकिस्तान टीम को भारी पड़ गया।
बाबर आजम ने तो यहाँ तक भी स्वीकार किया कि हमने 10-15 रन तो कम बनाए, लेकिन मेरे उस बल्लेबाज को धन्यवाद जिसने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगा दिए, और वो रोहित की गलती की वजह से, क्योंकि रोहित ने निर्धारित समय के अंदर ओवर नहीं करवाए, एक फील्डर अंदर आ गया और जिसकी वजह से उस गेंदबाज ने 2 छक्के लगा दिए। और तो कहीं ना कहीं बाबर आजम जो है वो भारतीय टीम से पहले हार मान चुके थे। उन्होंने कहा कि हम तो 10-15 रन कम बना गए, लेकिन भारत को हल्के में लेना भी हमें भारी पड़ गया और भारत से पंगा न ले, मानो बाबर आजम ऐसा कहना चाह रहे हैं। बाबर आजम ने स्वीकार किया कि भारत के आगे हम आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, दबाव को नहीं झेल पाए। बाबर ने स्वीकार किया कि हार्दिक पांड्या ही वो खिलाड़ी है जिसने हमसे गेम छीन लिया, मेरा पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया, हार्दिक पांड्या के आगे नतमस्तक है बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम का कुछ इस तरह से बयान आया है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।